एबीपी लाइव अभी रिपोर्ट कर रहा है इस्लामाबाद से, जहां पे एससीओ समिट की आज आखिरी दिन है और ये काउंसिल ऑफ हेड्स की समिट है, जहां पे आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर अपना नेशनल स्टेटमेंट दिया है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि एक जो एससीओ की कोऑपरेशन है, जो एससीओ की चार्टर है, जो 2001 में एससीओ बनी थी उसकी जो चार्टर है, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेम्बर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। इंडिया में अभी 10 मेंबर, एससीओ में अभी माफ़ कीजिएगा 10 मेंबर है, जहां पे कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है अगर एससीओ प्रोसेस को आगे लेके जाना है। सो इस हिसाब से डॉक्टर जयशंकर ने आज ये भी कहा है कि अगर एससीओ मेंबर्स को इस प्रोसेस को, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, बेलारूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, अगर इसको आगे लेके जाना है इन अ चैलेंजिंग वर्ल्ड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में वॉर्स चल रही है, एक तरफ इसराइल हमास का हो गया, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का हो गया, तो अगर इस माहौल में एससीओ को रेलेवेंट रहना है तो उसको चाहिए कोऑपरेशन इन टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दे नीड टू एड्रेस एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। ये जो तीनों चीज़ें हैं उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि एससीओ की चार्टर यही कहती थी, जो अभी भी लागू है। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा है कि, और ये ऑब्वियस रेफरेंस था चाइना के ऊपर, कि अगर एक दूसरे को ट्रस्ट करना है, कनेक्टिविटी करनी है दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, ना कि जस्ट दोनों देशों को बट मल्टीलैटरली इन सारे देशों को इकट्ठे रहना है, तो ज़रूरी है एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हम सम्मान करें, और ये ना देखें कि एक दूसरे से हम जो है उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उनकी जो सॉवरेंटी वो है, वो उनसे छीनना चाहते हैं। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सवाल है इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल टाइज की, तो हमने देखा है डॉक्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी तक दो बार मुलाकात कर चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर कल आए थे, उसके बाद उन्होंने डिनर भी की उनके साथ, तो एक हैंडशेक हुई है, आज सुबह भी हैंडशेक हुआ है और थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी कल डिनर, इनफॉर्मल डिनर में। आज एक फॉर्मल लंच ऑन है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रखने वाले हैं, जिसमें सारे मेंबर्स, सारे डेलीगेट्स इन्वाइटेड है। उसमें भी आशा है कि दोनों देश कुछ बात करेंगे और शायद इसके बाद एक डायलॉग रिजम्पशन होगा, दोनों देशों में बातचीत होगी। जहाँ तक एक माहौल है कि दोनों नेबर्स जो हैं बात करें, भले ही एक दूसरे को दोनों दुश्मन मानते हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि दोनों बात करें, शायद ये प्रोसेस चालू हो जाए। एबीपी लाइव के लिए ये नए निमा बासु, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.